उसके तरफ से हो गए किसी ने
नहीं करने वाला करने वाला सिर्फ ये कहकर हम बैठ जाए कि वो टोला हो गया है, उनके असर में आ गया है, उसे बहस करना बेकार है। ये जो बात है ये इंसान को तशद्दुद की है। अगर इस किस्म के डर से हर गया हो तो मैं समझता हूँ कि लोगों में बेदारी तो पैदा हो सकती है, गलत ख्याल का शिकार तो नहीं होते। दुनिया को पकड़ने की दुनिया है, इतनी जोर से आवाज से बात की जाती है चारों तरफ से लोग उसका शिकार हो जाते हैं। अब उनको उसके आधार पर जवाब दिया जाए तो फिर बात खत्म हो सकती है। अगर मुखातला नहीं किया जाए तो बात छा जाती है लहरों पर, अब बात डरती है पहले फिर मर जाती है। अब उसके बाद अक्सरियत उन लोगों की हो जाती है जो उसका इंतजार करते हैं। दायरा बल्कि 16,000 किलोमीटर का सफर आपने
सुनना नहीं है
उपवास का मकसद दिल की जमीन को नरम करना होता है। दिल की जमीन को नरम करते हैं और ऐसी बारिश होती है जो पत्ते पत्ते ही पड़ती है, पर मुसलसल पड़ने की वजह से दिल की जमीन उसे दस्त करती है तो जमीन नरम होती है। उसके बाद जो बातें कही जाती है वो बातें जमीन को पवन करती है। धुआंधार घंटे भर के तभी हो जाए आपके कान बड़े महजूज होते हैं और बाहर निकल रहे थे, क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मगर ये मुदासा नहीं होता। जलसे यहाँ तक होता है, हम ये कहते हैं कि इर्शाद का मकसद आपके जहन को सिर्फ उदासा करना नहीं बल्कि आपके दिल को नरम करना होता है। ये चौदह घंटे जो कि हमारा जो असल मकसद है तबियत के तालुक से, आप जिस मकसद से ताल्लुक रखते हैं उसके तालुक से जो दुनिया के बातों को आप मालूम करें कि हमारा क्या है, फिर इन बातों को आप मालूम करेंगे फिर उसकी वजह से आपके दिल में मजबूती पैदा होगी। फिर आप मजबूती पैदा होती है तो हिलाने वाला नाक हिलाने की कोशिश करें, जड़ मजबूत होती है तो वो हिलती नहीं अपनी जगह से। तो हमको अगर देखिए उन लोगों को हिलाया गया जिन्होंने काम किया हमेशा दुनिया का रसूल है, जो आदमी काम करने के लिए निकलता है तो उसको लोग नहीं छोड़ते। अब इसके उनके दिल नरम पड़े वो हिलाने वाले को बोलने वाले को हिलाना चाहते हैं ताकि वो हल्का हो जाए। रसूल वही के साथ यही हुआ, रसूल सब आए तो दुनिया हो जाए तो आराम देने के लिए, दुनिया को बड़ी रोज करने के लिए ये जो बुजुर्ग जहर जैसी चीजें उनके पास रखी हुई थी उनसे दिलों को पार करना था रसूलों से। जब आप इस पैगाम को लेकर हुए तो लोगों ने आपको हाबूज रख नहीं दिया, कहने का मौका नहीं दिया, बल्कि तमाम पैगंबरों को इस कदर परेशान किया गया कि हत्ता दूर दिनों यहाँ तक कि वो झिझोड़ गए और वो अल्लाह से दुआ गए हत्ता सुनना कहना तेरी मदद का बात है, दुनिया में तो कोई मदद हमको नहीं मिल रही है, काम हम अपना मकसद का नहीं तेरे मकसद का काम हम कर रहे हैं। गरीबों सुनने के लिए तैयार नहीं, ये बात एक फितरी बात है कि अच्छी बात को दिल में जला पाने के लिए दहाई रह जाते हैं, दहाइयों रह जाते हैं, बुरी बात फौरन दिल पर असर करती है, सेकंड में मिनटों में असर कर देती है। अच्छी बात को दिल में जला पाने के लिए दस दस बीस बीस साल रह जाते हैं। आपको हिलाना गया इखलाक भी कह सकते हैं, उसे इज्जत भी कह सकते हैं, खुदा के हुक्म से इज्जत पब्लिक के ख्याल से वो एहसास हुआ निकाल दिए गए अल्लाह के हुक्म को निकाला गया और बहुत रसूल अल्लाह के रसूल भी कैसे गए छुटके छुपाते गए। क्या इसको आह की बेबसी कह सकते हैं? लेकिन और से आप देख लो तो कष्ट और उसी का हालत था कि हालत थी आपकी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछा हाल नहीं, ले लेके रह गए और
जिनका पूरा कल्याण किया जा रहा। बिस्तर को सोने के लिए जलधारी मिले, साथ चलने के लिए हजरत रोजी मिले, बस तो बेबसी को आकर अल्लाह से मांग जाता हूँ। आपकी बेबसी ही है कि अल्लाह का इम्तिहान था तो हमको बढ़ाना था कि सही काम आप जब भी करेंगे तो आपके वाली ना आपको कम मिलेगी, मददगार आपको भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के आखिरी सलाम पर जब निकाला जा रहा था तो हम देखते हैं और वो अली का सोना भी मांग नहीं था, क्योंकि हजरत अली की बात को जानते थे कि आए ही लोग घर के अंदर जमा हो गए, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जाने देंगे, जब वो रसूलुल्लाह बाहर नहीं निकलेंगे और लोग दरवाजा तोड़कर खोलकर अंदर आ जाएंगे और रसूलुल्लाह को मारेंगे या रसूल नहीं मिलेंगे तो उसके बिस्तर पर जो मिलेगा उसी का प्रसार उसका निकलेगा। वो बोझ अदा न करते तो अली की हिम्मत नहीं थी कि रसूल के बिस्तर पर
अभी तो क्या पूरा खानदान इनका नहीं कर सकता था, पर सुना 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 ने जो ताकत अता की थी उसके मुकाबले में सारी दुनिया आगे होकर आ गई थी, और वो ताकत लाए थे ना। इसलिए कभी ने उन्होंने अरुण भाई के बहुत तरह से तो साथ के सबसे अशार कहे और उसने कहे कि मेरे बेटे जब वो आए तो जल्दी कर तू और उसके हाथ पर जाकर उसकी मदद कर। तो जिसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार था इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला को भी उनके माहौल में इंतजार करते रहते हैं।
अब वो उनको कुछ इतना देने वाले देंगे कि हरा सावधान हो गए थे तो वो हार से निकलता अल्लाह ताला ने भेजे और ऊपर भेजा हमारे भेजे आए थे उनका भेजा अल्लाह ने जबकि आसमान जमीन बन गई थी आसमान दीन का आसमान दीन का जमीन बन गया हर दरस से सिवाय करने पर के और कुछ नहीं था खैर उसके बाद तो हरा जैसे हुए कि जहां से खुशबू के फूल निकलने चाहिए थे वहां से भी बदबू ही निकलने लगी निकली ये निकालने लगी इस्लाम की सच्ची तरह
जवानी का नाम है। इस्लाम के सच्ची समझना, इस्लाम के रेगुलेशन के क्यूज, इस्लाम की तर्जमानी करने वाले बहुत से पैदा हुए और हजरत मेहदी के बाबू के हिसाब से भी इस्लाम की नुमाइंदगी, इस्लाम की तर्जमानी की। तो हम उस इस्लाम को मानते हैं जिसकी तर्जमानी हजरत मेहदी के बाबू के हिसाब से की है। आप किस दूसरे मानते होंगे? है लोग ऐसे ही लोग हैं मुसलमान पर किसकी तर्जमानी कबूल करते हैं, कहते हैं कुरान मौजूदगी लिए कुरान लिखा है, तस्वीर लिखी है, क्या तस्वीर लिखी है, इस्लाम की नुमाइंदगी की तर्जमानी की, हम उसको मानते हैं। और जो कहता है कि हम कबूल कराम आजाद ने जो लिखी उसको मानते हैं, और जो कहता है कि आला हजरत ने जो लिखी है किताब हम का जो इरफान है कुरान हम उसको मानते हैं, वो कहते हैं ये नहीं था शबीर अहमद ने जो तस्वीर लिखी है हम उसे मानते हैं। ये सब कुरान ही क्यों मान्य कर रहे हैं और उसके बिना पर अपने एक मसला बनाए। सवाल ये कि हर एक को अपने अपने इमाम के तरफ से इमाम बनाकर, हालांकि उसने इमाम होने का दावा नहीं किया, उसने इमाम होने का दावा नहीं किया, तुमने उसको इमाम बना भी दिया और उसकी पैरवी भी कर रहे थे। हमारे इमाम ने दावा किया कि मैं इमाम हूँ, उस दावा नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि तू दावा कर और रसूलुल्लाह के हदीसों ने सैकड़ों हदीसों में आया कि ये मेहदी है जो मेरे नक्श पर चलेंगे और कभी हाथा नहीं करेंगे। तो हर फर्क क्या है, क्यों उसको इमाम कही जाती है? आपको हक है और हमको हक भी है, एक दूसरों को तर्जमानी करने का हक है और मेरे माओं को तर्जमानी करने का हक नहीं है। जिसको हक हासिल नहीं वो तर्जमानी कर रहा है और जिसको हक खुदा के तरफ से हासिल है वो तर्जमानी कर रहा है, तो आपको एहसास कर रहे हैं इतना काफी जुड़े यही होना चाहिए। उस पर हजमान को मेरे मौके पेश किया है
आज हम जो यौ मनाते दिन मनाते हैं तो ये आपको शौक पैदा करने के लिए आपने और ये समझाने के लिए कि मैं जगह पकड़ते बुजुर्गों के तरफ से इंतजार इंतजार की नहीं है कि ये अपनी जगह पर बैठे हो गए हैं बस ये है मैंने देखा आज हमारे घोषित है ये नहीं है मैं जगह हमारे लोगों गए गए हैं मेदेवियत हमारी खून के हाथ पकड़े गए मेदेवियत हमारी हर सांस में है हमको यकीन होना चाहिए कि हम जिस ईमान को नसीहत मोहम्मद जौनपुरी को महदी राहुल मानते हैं वो अल्लाह ताला का सच्चा आखिरी तजुर्बा है इस आई के बाद में वो पहले आ चुके थे दोबारा आएंगे तो खुदा की तरफ से आने वाला जो सच्चा तजुर्बा था उसी पर ये मौत है छुटकर बैठने वालों में से नहीं हालात की साफदारी का इंतजार करने वाले में से नहीं हमारे कई अरकान लोग थे बादशाह उनके दरबारों में दरसाने के लिए आकर ऐसी जगह पर जहाँ पर तेल लगे नियाम हुए बादशाह के इशारे पर सर्व कलम करने के लिए तैयार है इस्लाम की नामुस हिफाजत के लिए और तैयार कर दिया है हुक्म के लिए है कि अल्लाह का वादा आ जाए मेरे बहुत ऐसा तो सब कुछ का हो पता नहीं बात भी जानते थे कि दुनिया की कोई ताकत आप पर गाली नहीं आ सकती मैं ये माओ उस वक्त आपके वहां पर थे अस्पर थे आप यकीन है कि कोई ताकत उस पर गाली नहीं आ सकती मैं ये माओ दर्शन इस्लाम ने चैलेंज को कबूल किया और देखने अंधेरे का अपना लोगों ने भी 20 साल तक नहीं चाहिए को कबूल किया पर इतना हुआ वो जो अल्लाह ने कहा है कि पैगंबरों की जो सुन्नत है वो यही है कि जब दुश्मन सताते हैं अजियत देते हैं तो उस मुकाम को छोड़ देते हैं कोशिश पूरी होती है लेकिन उस बात फिर इज्जत कर जाते हैं
मुसलमान थे। कहाँ ये मुसलमानों ने किया? मदीने के मुसलमानों ने किया। किन लोगों ने किया? जिन लोगों के कानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से उस्मान गनी के फ़ज़ाइल सुने थे। ये लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में उस्मान गनी के लिए मोहब्बत और उल्फत के जज्बात देखे थे। जिस हस्ती का रसूलुल्लाह इकरार करते थे, बैठे हुए थे, रंग से पत्ता आ गया, तो वो सिद्धि बैठे हुए ही दूसरे बैठे हुए उसको करते करते शायद हाथ मारे थे। क्या था कपड़ा राम पर से हट गया था, उसका बैठे हुए बात कर रहे हैं। उस्मान गनी आते ही तो रसूलुल्लाह ने कपड़े को बराबर कर लिया, राम को ढाप दिया। अब वो करने कहा, आयशा ने कहा कि रजी अल्लाह अन्हु के ये बैठे थे वो बैठे थे, आपने नहीं किया। उस्मान गनी आते ही आपने ऐसा किया क्यों? तो कहा कि वो हस्ती है फरिश्ते जिससे हया करते हैं। ऐसी हस्ती को मानने वालों के देखने वालों के सुनने वालों को लगातार कुछ नहीं शहीद कर दिया, घर को महसूस घर में महसूस कर रखा, दाना पानी बंद कर दिया। 5 दिन तक मदीना वो बन गया था जो नहीं बनना चाहिए। Gracias.